अस्सलाम वालेकुम यार यूट्यूब, मैं मुसिर रजा। ये वीडियो उनके लिए जो पूछते हैं कि फाइन आर्ट्स में क्या होता है, एनसीए में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, और कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। लाइक लोगों को लगता है कि सिर्फ पेंटिंग होती है फाइन आर्ट्स में, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सी चीज़ें हैं, चार ब्लॉक्स हैं, तो वन बाई वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही आप आते हो तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर होता है एक साल, तो उसमें आप फाउंडेशन ईयर होता है। अच्छा, फाउंडेशन ईयर क्या होता है? तो उसमें हर डिपार्टमेंट में फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, VCD, सिरामिक, आर्किटेक्चर, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही कोर्स पढ़ते हैं। अच्छा, और उस कोर्स में क्या क्या शामिल होते हैं? चार मेजर्स होते हैं। एक ड्राइंग, जो कि मेरी बस ओके ही थी, बस हो जाते थे पास सुकून से। उसके बाद डिज़ाइन में मतलब आज तक फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इजी लगता था, आई डोंट नो व्हाई। और इसके बाद स्कल्पचर मेरा फेवरेट होता था, और लाइक क्या क्या मास्टरपीस बनाया, आई स्टिल रिमेम्बर। और क्योंकि बहुत मजे की क्लास होती थी, आप क्ले से काम करते हो, आप डिफरेंट मीडियम्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर चीज़ से काम करते हो। और लास्ट में आती थी ड्राफ्टिंग मेरी ओके थी क्योंकि आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था, तो लेकिन बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किल लगती थी, होती इंटरेस्टिंग ही थी। अच्छा, जब जैसे फर्स्ट ईयर एंड होता तो हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाता है। आर्किटेक्चर वाले अपने डिपार्टमेंट में, फाइन आर्ट्स वाले अपने डिपार्टमेंट में, VCD वाले अपने डिपार्टमेंट्स में, तो हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की स्टडी स्टार्ट करता है। तो फाइन आर्ट्स वालों के साथ ये होता है कि उन्होंने सेकेंड ईयर भी फाउंडेशन ईयर करना होता है। मतलब ये है कि उन्हें सेकेंड ईयर में चार ब्लॉक्स करने होते हैं फाइन आर्ट्स के, मिनिएचर, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग। फिर जब वो चार ब्लॉक्स कर लेते हैं, देन थर्ड एंड फोर्थ ईयर में उन्हें एक ब्लॉक लेके चलना होता है, और वो उनकी मर्जी है, वो उनका कहलाता है मेजर। कोई पेंटिंग में चला जाता है तो वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर पेंटिंग करते हैं, कोई मिनिएचर में, कोई प्रिंट मेकिंग में, सो इट्स अप टू देम। तो अभी हम वन बाय वन हर ब्लॉक में जाएंगे और हर मेजर के लोगों से मिलेंगे कि उन्होंने वो क्यों सिलेक्ट किया और उसमें होता गया एक्चुअली। तो चलो चलते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के पास। ये है रोशेल, फोर्थ ईयर प्रिंट मेकिंग फाइन आर्ट्स। तो सर, आपका प्रिंट मेकिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? प्रिंट मेकिंग की जर्नी बेसिकली जब थर्ड ईयर में हम आए थे तो चार ब्लॉक्स होते हैं फाइन आर्ट्स में, प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड मिनिएचर पेंटिंग। मैं बहुत मिक्स्ड अप था बिटवीन पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग में, तो प्रिंट मेकिंग मैंने ऐसे डिसाइड किया, सिंस प्रिंट मेकिंग ऐसी रेयर टेक्निक है जो आप नॉर्मली नहीं सीख सकते, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, लाइन एचिंग होती है, वुड कट होता है, लाइनो कट होता है, उसके बहुत प्रोसेसेस होते हैं बीच में जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो डिसीजन मेरा ऐसे ही हुआ था कि सिंस ये मैंने सीखना था, पेंटिंग का ये कि आप सीख भी लेते हैं उसको, आप कहीं भी जाते हो ऐसे ही हर जगह पर, हर गली में सिखा रहे हैं पेंटिंग को, आप किसी भी स्टूडियो में चले जाएँ। सिंस यहाँ पे प्रिंट मेकिंग के भी स्टूडियोज़ एक सिर्फ हमारे NCA में, और एक हमारे टीचर हैं सर साथ, उनका एक अपना प्राइवेट स्टूडियो भी है, तो आप उसमें जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरा डिसीजन यहाँ से हुआ था कि सिंस पेंटिंग का जो है वो आप स्किल सीख सकते हैं, आप कहीं से भी प्रिंट मेकिंग नहीं सीख सकते आप। ओके, अभी आओ और मुझे बताओ कि प्रिंट मेकिंग एक्चुअली है क्या, लिनो कट, ये सारी चीज़ें क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है? लाइन एचिंग एंड एक्वा टिंट। चलो आप देखते हैं। तो अभी तुम किस टेक्निक में काम कर रहे हो और ये है क्या, इसका मुझे बताओ। इसकी बेसिकली जिंक की प्लेट है, मेटल है, इस पर हम बेसिकली प्रोसेस अगर मैं समझा दूँ, हाँ क्विकली क्विकली ये है कि हम इसको पहले प्रिपेयर करते हैं फुल प्लेट को, इसके ऊपर एक लिक्विड होता है हार्ड ग्राउंड जिसको कहते हैं, फिर हम नीडल से ये लाइन ड्राइंग करते हैं, आपको लाइन नजर आ रही है, ये कार्विंग हुई हुई है जी। ओके इस प्रोसेस को कहते हैं लाइन एचिंग। ओके जब हम उसको स्क्रैच ऑफ करते हैं, ये हम फिर एसिड में डिप करते हैं, एसिड में। ओके एसिड में जब डिप होता है तो ये लाइन जो है वो डीप हो जाती है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस है एक्वा टिंट, वो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा, तो इसका फिर आप प्रिंट निकालोगे जी?
इसका मुझे कोई ना एग्जांपल दिखाओ कि इस तरह से कुछ प्रिंट निकला हुआ मेरे इस टेक्निक लाइन एच की प्रिंट है मैं वो हाँ मुझे दिखा दो ये ओनली लाइन एचिंग अच्छा ये लाइन एचिंग है तो ये वही चीज़ है जो वहाँ पे हाँ. अगर आपने देखा होगा ये करें इधर थी क्योंकि ये मिरर इमेज है एग्जैक्टली जब आप प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह आएगी जरा हाँ. सही सही तो ये उसका प्रिंट है तो आप उसके लिए उसके ऊपर इंक लगाते हो बेसिकली हाँ इंक लगाते इंक लगा के फिर इस ये पेपर होता है एक इनका तो इस पेपर के ऊपर ये स्टैम्प काइंड ऑफ जैसे स्टैम्प होता है तो प्रिंट करते हैं हाँ प्रिंट करते हैं इसको प्रिंट मेकिंग कहते हैं तो एक ये भी एग्जाम्पल्स हैं ये भी लाइनो कट अच्छा एक एक थोड़ा बेसिक होता है सबसे पहले फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है लाइनो कट टेक्निक तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है तो अभी नीचे और बच्चे भी काम कर रहे हैं तो ये पूरा है प्रिंट मेकिंग स्टूडियो है तो कुछ और भी देखते हैं अच्छा सेकंड ईयर तुम प्रिंट मेकिंग ब्लॉक चल रहा है चार में से कौन से हो गए हैं ब्लॉक पेंटिंग रहता है अभी हाँ क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है स्टार्ट हुआ क्योंकि एक सेमेस्टर में दो ब्लॉक्स होते हैं एग्जैक्टली अच्छा कौन सी टेक्निक पे काम कर रहे हो जरा दिखा भी दो सो ही इज डूइंग दिस ड्राई पॉइंट अच्छा तो इसके अलावा कोई और काम किया अच्छा ये एक प्रिंट एक प्रिंट निकला भी हुआ है स्केचेस बनाए फिर उसके प्रिंट आउट में करवा के ना अच्छा तो ये क्या है कौन सी शीट है ये एक्रेलिक शीट है इसके ऊपर इस तरह ये नीडल से काम होता है स्केचेस फिर उसके ऊपर इंक लग के समथिंग लाइक दिस प्रिंट निकलता है अच्छा तो शी ज़हा इमरान फाइन आर्ट्स पेंटिंग फोर्थ ईयर सो क्यों चूज़ किया भाई पेंटिंग बताओ ज़रा सबको थोड़ा लाउड यार आई बिलीव के देखो देयर इज दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस फील्ड एंड आई एग्री कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में होता है बट यहाँ पे यू नो यू हैव दिस ओन पर्सनल जर्नी गोइंग ऑन और यू हैव दिस यू नो कैपेबिलिटी के आप एक हर किस्म हर तरीके से हर टेक्निक से हर चीज़ से हर आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेके यू नो यू डिस्कस थिंग्स अमंग योर पीयर्स एंड योर टीचर्स और उससे आपको यू नो यू गेट दिस आई वुड से सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू सर्टेन थिंग्स अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो कि बाकी मीडियम्स कुड हैव यू नो उनमें बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरीनेस आ जाएगी क्योंकि सिंस वी हैव मिनिएचर इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वर्क एंड देन यार को मेरे पीछे ही ना पड़ जाए कॉलेज से यू नेवर नो कभी मशहूर भी तो हो सकते सो कमिंग टू द पॉइंट तो लाइक देयर इज दिस थिंग के लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई एग्जाम्पल देर इज़ अ सर्टन एक्सप्रेशन जो कि मुझे लगता है कि मैं पेंटिंग में निकाल सकती हूँ माई वर्क इज़ मोर अबाउट प्रोसेस एंड यू नो द एक्सप्रेसिव स्ट्रोक्स एंड ब्रश वर्क एंड ऑल दैट तो मे बी आई बिलीव कि मैंने जब भी सोचा अपने काम को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी थाट्स और अपने इम्प्रेशन को लेकर आने के लिए तो आई थॉट पेंटिंग वुड हैव बीन माई फ्रेंड इन दैट प्रोसेस एंड आई बिलीव लाइक नाउ लाइक विद 3 months टू ग्रेजुएशन तो आई बिलीव के अभी तक जो यू नो व्हाट आई हैव डन उसमें आई थिंक इफ इट वुड हैव बीन एनी अदर डिपार्टमेंट आई वुड हैव डन दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ सो या ओके यहाँ पर पेंटिंग के बारे में मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ और वो ये है कि पेंटिंग में मीडियम की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मतलब ये कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि पेंटिंग में सिर्फ पेंट्स यूज़ होते हैं लाइक एक्रेलिक वाटर कलर ऑयल पेंट्स लेकिन नहीं पेंटिंग में कई लोग पेंसिल से भी काम करते हैं ग्रेफाइट से भी काम करते हैं एंड इवन कुछ लोग एनिमेशन डिजिटल एनिमेशन की तरफ भी जाते होते हैं सो टेक्निकली पेंटिंग में मीडियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अच्छा मिनिएचर का ये बहुत सीन है बहुत टाइम लगाते होते हैं मतलब हर चीज़ बनाते हो ना कलर्स पिगमेंट्स अभी ये क्या बना रही हो कलर कलर बन रहा है ओके अब
तकरीबन पिछले कुछ 6 मिनट से कलर मिक्स हो रहा है. ओके, अब अप्लाई भी कर लो. हाँ जी सर, अप्लाई कर रहे हैं. बिल्कुल, दिस इज व्हाट शी इज डूइंग. ये नीचे किस चीज़ से काम किया हुआ है? टी वॉश. अच्छा, ये टी वॉश है, नीचे प्रिंट नहीं है यार. बाय द वे, मिनीचर का काम इतना परफेक्ट होता है कि समटाइम्स लुक्स लाइक कि ये प्रिंट है. ऐसे ये तुम्हारा कोई और काम है यहाँ पे? ओके. अच्छा तो कैसा रहा और क्या है? बेसिकली काम जो मैं करती होती थी इट वॉज लाइक वेरी डिटेल्ड एंड माइन्यूट वर्क इससे पहले भी. तो मुझे बस वो डिटेल्स जो थी वो ट्रिगर की. मैंने कहा कि वाई नॉट टू वर्क बिकॉज मिनीचर इज ऑल अबाउट डिटेल्स. के बिन अब एक स्मॉलर लाइन भी है तो इट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, अदरवाइज वो मतलब सेंस नहीं बनती. तो उस वजह से आई केम टू मिनीचर एंड लाइक आई लाइक इन्वेस्टिंग माई टाइम ऑन द वर्क बिकॉज वन पेंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइक आवर्स टू कम्प्लीट. इट्स नॉट लाइक यू आर अप्लाइंग अ वॉश एंड देन इट्स सेंट. देयर सम टाइम डेज और कितने डेज यू नीड मंथ्स एंड मंथ्स. इट टेक्स 7 months टू कम्प्लीट वन पेंटिंग. सो दिस इज वजह से आप मतलब एक स्टेमिना होता है किसी का नहीं होता. आई थिंक दैट आई हैव दिस स्टेमिना टू वर्क ऑन द पेंटिंग्स. जैसे कि आपने पीछे बाकी सब ब्लॉग्स के बारे में सुन लिया है, सेम गोज़ फॉर द स्कल्पचर. स्कल्पचर में भी यही होता है कि जिनका स्कल्पचर थोड़ा फर्स्ट ईयर में अच्छा होता है वो अक्सर फाइन आर्ट्स में फिर स्कल्पचर ब्लॉग चूज़ कर लेते हैं. स्कल्पचर ब्लॉग में भी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मीडियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. किसी भी चीज़ में आप मिट्टी से काम कर सकते हैं, मिट्टी मतलब क्ले, आप क्ले से काम कर सकते हैं, आप सन ड्राई क्ले से काम कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से काम कर सकते हैं, ब्रिक से काम कर सकते हैं, वायर से काम कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है. तो फाइन आर्ट्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो तो मैंने बता दी, चार मेजर्स भी एक्सप्लेन कर दिए. बट अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट कि मैं हर एक मेजर को सेपरेटली एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट्स करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अलविदा.